हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों आज जो क्लास होगी वो होगी हमारी क्लॉज से रिलेटेड, और यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ क्लॉज की एक्सरसाइज जो काफ़ी यूजफुल होगी। और यहाँ पर तीनों क्लॉज की हम बात करेंगे। क्लॉज आपके हैं नाउन, नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज है एंड एडवर्ब क्लॉज है। तो इसकी मैं ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज लेके आया हूँ। उससे पहले मैं आपको एक अच्छी चीज़ बता दूँ कि अब आप हमें अन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। वहाँ पर आपको सर्च करना है कौशल किशोर शर्मा और आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। यदि आप अन अकेडमी पर लाइव क्लासेस और प्लस कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना होगा, हमारे रेफरल कोड इंग्लिश पॉइंट को वहाँ पर डालना होगा, जिससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे कि अन अकेडमी पर भी जितने कोर्सेज चलते हैं ऑल लाइव एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलेंगे। लेसन्स वाई ऑल टॉप एजुकेटर्स, यानी कि जितने भी एजुकेटर्स इंडिया में पढ़ा रहे हैं उनका आपको एक्सेस मिल जाएगा। और इसके अलावा वीकली जो क्विज होते हैं, डाउट क्लियरिंग क्लासेस हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, और आप हमें वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप इंग्लिश पॉइंट रेफरल कोड का यूज करके जो भी आप प्लस कोर्सेज ज्वाइन करते हैं उसमें 10% का डिस्काउंट डेफिनेटली मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं, और यहाँ पर हम आपको बताते हैं 21 सेंटेंस के, और इससे पहले जो 20 सेंटेंसेस थे वो मैं करवा चुका हूँ। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 21 से। ओके, तो जो 21 नंबर का सेंटेंस है वो है आई न्यू डैश आई हैड मेड अ मिस्टेक। यहाँ पर हमें फिल करना है दैट एज व्हाट एंड इफ मैसेज। तो दोस्तों ये जो क्लॉज है ये हमारा क्लॉज कौन सा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा नाउन क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है ये, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज पहचानने के लिए मैं सबसे पहले आपको सिंपल तरीका बताता हूं। कोई भी नाउन क्लॉज हो तो आपको क्या करना है कि प्रिंसिपल क्लॉज आप देखिए। सबसे पहले ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखा हुआ है। अब होता क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आप यहां पर समथिंग लगा के देखिए। प्रिंसिपल क्लॉज में जो ऑब्जेक्ट है जहां पर आपको कंजंक्शन दैट या कुछ भी लगाना है वहां पर आप समथिंग लगा के देखिए। यदि प्रिंसिपल क्लॉज का मीनिंग बिल्कुल फिक्स होता है तो ये आपका नाउन क्लॉज बनता है। आप बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ नाउन क्लॉज पहचानने के लिए, है ना। और यदि आप एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज में समथिंग लगाएंगे ना प्रिंसिपल क्लॉज के साथ तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो यहां पर देखिए आई न्यू समथिंग, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कंजंक्शन यूज होगा वो आपके नाउन क्लॉज का होगा। अब देखिए जो इफ है आपका ये कंडीशनल क्लॉज बनाता है जो आपके किसमें आते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज में आते हैं। एज है ये भी आपका कंडीशनल क्लॉज बनाता है, दैट एंड व्हाट ये आपके नाउन क्लॉज बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या होगा आपका आई न्यू दैट आई हैड मेड ए मिस्टेक, मैं जानता था कि मैंने गलती की थी। तो दोस्तों ये आपका नाउन क्लॉज लिखा हुआ है, आपका याद रखिए। चलिए सेकेंड सेंटेंस है 22 नंबर का, और यहां पर है डैश वी हर्ड द नॉइस वी रैन आउट ऑफ द हाउस, यानी हमने शोरगुल की आवाज सुनी हम घर से बाहर दौड़े। यहां पर आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, आपको फिल करना है एज सून एज में से, एज लॉन्ग एज, एज मच एज या एज सो दैट में से। तो यहां पर क्या यूज किया जाएगा, ये आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, याद रखिए। यहाँ पर टाइम बताया जा रहा है समय, यानी कि एज सून एज, एज सून एज मीन्स होता है जैसे ही, जैसे ही हमने नॉइस की आवाज सुनी हम घरों से बाहर दौड़े या घर से बाहर दौड़े। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका फर्स्ट वाला एज सून एज। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 23, एंड सेंटेंस नंबर 23 में है ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की, डैश है यहाँ पर, ही कुड अर्न इनअप टू मेक अ लिविंग, ठीक है ना। यहाँ पर फिल करना है आपको सो एज टू, सो दैट, सच दैट या सच डॉट डॉट दैट। ओके, तो ये जो आपका क्लॉज है वो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, उद्देश्य बता रहा है, और इसमें जो कंजंक्शन है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज का वो है सो दैट, हिंदी अर्थ निकलेगा ताकि। तो ही वर्कड हार्ड so that he could earn enough to make a living, यानी कि यहां पर क्या बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है, उसने कठिन मेहनत करने का उद्देश्य क्या है वो है अपने जीने के लिए पैसा कमाना।
और एक क्लॉज और है सो डैश दैट का यूज किया जाता है उसमें, ये आपका बताता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट बताता है परिणाम, ठीक है ना। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 24, डैश आई गेट अ डे ऑफ आई विल विजिट माई पेरेंट। ओके, तो यहां पर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखाई देता है, ऑप्शन है इफ वेदर एंड वाई। इफ और वेदर जो है ये आपको वो बताते हैं कंडीशन, तो इस तरह से ये दोनों कंजंक्शन जिस सेंटेंस में लगाएंगे वो क्या बताएंगे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, या इफ लगाएंगे तो इफ क्लॉज भी हम उसे बोल सकते हैं। तो यहां पर यही कंडीशन है कि यदि मुझे एक दिन की छुट्टी मिल जाए तो आई विल विजिट माई पेरेंट्स। तो यहां पर जो यूज किया जाएगा वो इफ का प्रयोग किया जाएगा, वेदर का क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये चॉइस बताता है दो चीजों में कि ये काम करना है या नहीं करना है। तो वेदर डैश और का यूज मोस्टली सेंटेंस में होता है। अब यहां पर मैं आपको एक छोटी सी कंडीशन बताता हूं इफ क्लॉज से रिलेटेड, कि जब भी इफ क्लॉज सेंटेंस में लग रहा हो तो इसके बाद का ये सेंटेंस जो है ना ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा होगा, ठीक है। और सेकेंड सेंटेंस किसमें बनाया जाता है, फ्यूचर टेंस में ही बनाया जाएगा। याद कर लो, जब भी फ्यूचर टेंस के साथ एक और क्लॉज जुड़ा हो, वो किसी भी कंजंक्शन से जुड़ा हो, इफ के अलावा कोई भी कंजंक्शन हो, बिफोर आफ्टर व्हेन व्हाइल कुछ भी लगा हो, तो दूसरा क्लॉज हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बनाया जाता है, याद रहे फ्यूचर के साथ। अब इफ के साथ एक और कंडीशन होती है, ये आपकी प्रोबेबल कंडीशन है, एक इम्प्रोबेबल कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट इफ के बाद आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है और दूसरा सेंटेंस बनाया जाता है मोस्टली वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है। ये आपकी इम्प्रोबेबल कंडीशन होती है। एक इफ के द्वारा क्लॉज बनता है इम्पॉसिबल कंडीशन का, जिसमें इफ वाला सेंटेंस बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस में एंड सेकेंड सेंटेंस बनता है वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इस तरह से तीन कंडीशन बनती है, लेकिन यहां पर 24 नंबर के सेंटेंस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका फर्स्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इफ आई गेट अ डे ऑफ आई विल विजिट माई पेरेंट्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, यदि आपने मुझे अभी तक YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे और सभी लोगों की भी हेल्प हो सके। चलिए अब हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 25, एंड सेंटेंस नंबर 25 है ही डाइड इन द टाउन डैश ही वाज बॉर्न। ये आपका क्लॉज जो बनेगा दोस्तों कौन सा बनेगा, ये बनेगा एडवर्ब क्लॉज, सॉरी एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, स्थान बताएगा ये, क्योंकि ही डाइड इन द टाउन, वह उस टाउन में उसकी डेथ हुई जहां पर, जहां मतलब वेयर बताएगा, यहां पर जो विच है वेयर एंड दैट, तो प्लेस वाला कंजंक्शन कौन सा है, वेयर है, जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस में यूज किया जाता है, वेयर वेयर एवर वेंस इस तरह कंजंक्शन। तो वेयर ही वाज बॉर्न, यानी उसकी डेथ वहां हुई जहां पर उसका जन्म हुआ था। तो ये जो सेंटेंस है ये है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 26, एंड सेंटेंस नंबर 26 में है डैश द सोल्जर्स वर पुअरली आर्म्ड दे ऑफर्ड ए स्टबर्न रेजिस्टेंस। ऑप्शन है ऑल्दो दो हाउएवर एंड डिस्पाइट। तो यहां पर जो सेंटेंस में कंजंक्शन आएगा वो आपका आपका आएगा फर्स्ट वन, यानी ऑल्दो, ऑल्दो मीन्स हालांकि या यद्यपि, ठीक है। ऑल्दो द सोल्जर्स वर पुअरली आर्म दे ऑफर्ड ए स्टबर्न रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है 27 का, एंड 27 नंबर में है ही स्पेंड्स मोर डैश ही अर्न्स, टी एच ई एन देन टी एच ई एन देन टी एच एट दैट, इन तीनों में से कोई एक फिल किया जाएगा। तो यहां पर देखते हैं कौन सा फिल किया जाएगा। देखिए ही स्पेंड्स मोर, ये आपकी क्या है, डिग्री है, कंपेरिजन हो रहा है, तो डिग्री में क्या यूज किया जाता है, देन, याद रखिए he spends more than he earns, तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका फर्स्ट वन। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 28, एंड सेंटेंस नंबर 28 में है डैश यू मेंड योर वेज यू विल लैंड इन ट्रबल, यानी कि यहां पर ऑप्शन है इफ अनलेस अंटिल एंड टिल। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इफ आपका क्या है, ये आपको कंडीशन बताएगा, कंडीशनल क्लॉज है, अनलेस भी कंडीशन बताता है, अनलेस का मीन्स क्या होता है, इफ प्लस नॉट, ये भी नहीं जाएगा,
अनटिल क्या होता है, अनटिल का यूज किया जाता है द एंड ऑफ द पीरियड में, ठीक है, एंड ऑफ द पीरियड के लिए, यानी सेंटेंस में भी जो टाइम होता है वो एंड होता है उसी समय पर अनटिल यूज किया जाता है, और टिल को अब यह हटा देते हैं। तो इन तीनों में से चेक करते हैं, सबसे पहले कि अनलेस यू मेंड योर वेज, यानी जब तक तुम अपना तरीका नहीं बदलोगे यू विल लैंड इन ट्रबल, तो तब तक तुम्हें परेशानी होगी। यहां पर भी आपका वही क्लॉज है कि अनलेस वाला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में है और दूसरा सेंटेंस किसमें है, आपका फ्यूचर सिंपल टेंस में। इस बात का विशेष याद रखना है कि यहां पर अनलेस वाला सेंटेंस फ्यूचर टेंस में नहीं बनाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है 29 एंड 29 में है डैश यू वर्क हार्ड यू विल अचीव सक्सेस। आपका ऑप्शन है इफ, व्हेन, अनलेस और अंटिल। तो सिंपल सा सेंटेंस है कि इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करोगे यू विल अचीव सक्सेस, तो तुम्हें सफलता मिल जाएगी। तो राइट ऑप्शन हो गया 29 में, वो होगा आपका 1 यानी इफ। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 30 एंड सेंटेंस नंबर 30 है द वॉशिंग मशीन डैश आई बॉट यस्टरडे इज एनर्जी इफिशियंट। तो ये जो क्लॉज है दोस्तों, ये है आपका रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज है एंड रिलेटिव क्लॉज मोस्टली हु विच दैट का यूज किया जाता है। अब जब बात हो रही हो थिंग की, तो थिंग के लिए दो प्रोनाउन यूज होते हैं रिलेटिव, दैट का यूज हो सकता है और विच का प्रयोग हो सकता है, यहां भी दोनों हैं। अब देखते हैं द वॉशिंग मशीन, वो वॉशिंग मशीन जो मैंने कल खरीदी एनर्जी इफिशियंट है। ओके, तो यहां पर हम यूज कर देते हैं सिंपली अपना भी विच, हालांकि दैट का यूज भी हो सकता है और विच का यूज करेंगे तो आपका नॉन डिफाइनर रिलेटिव क्लॉज या डिफाइनर हो जाएगा, लेकिन यदि अकेला विच ही लगाएंगे इसमें तो केवल ये नॉन डिफाइनर रिलेटिव क्लॉज हो रहा है। और नॉन डिफाइनर रिलेटिव क्लॉज पर मैंने 2 दिन पहले एक छोटी सी क्लास ली है, यदि आपने अभी तक उसे वॉच नहीं किया है तो प्लीज उसे भी जरूर वॉच कर लें। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 31, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे। तो यहां पर हमें यूज करना है कंजंक्शन एंड फॉर बिकॉज बट, क्या आएगा? ओके, तो ये जो कंजंक्शन है ये क्या है, आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज से रिलेटेड है, कोऑर्डिनेट क्लॉज, और वो भी सिंपल कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहां पर जो राइट कंजंक्शन हो रहा वो हो रहा आपका एंड, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो एंड यू विल सक्सीड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 32, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, ही वेंट होम, वह घर गया डैश ही वाज बोर्ड। ये जो क्लॉज है ये है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, ये आपको यहां पर रीजन बता रहा है, ही वेंट होम, वह घर गया बिकॉज ही वाज बोर्ड। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी यहां नीचे कमेंट करके जरूर बताना है, और पसंद आए दोस्तों तो दूसरों के साथ भी शेयर कर देना, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने अभी तक यदि अनअकैडमी रेफरल कोड हमारा यूज नहीं किया है, यहाँ पर आपके लिए लाइव क्लासेस मिलेंगी और इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स वहाँ पर आपको टीच करेंगे और सारे लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो प्लीज़ उसे ही वॉच करें और हमारे रेफरल कोड को वहाँ पर यूज करें इंग्लिश पॉइंट। Thank you for watching this video.